नमस्कार दोस्तों, टेक ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज और आज हम बात करेंगे MIUI 9 की नई ग्लोबल बीटा अपडेट के बारे में, जो कि इस फ्राइडे को आने वाली है, जिसका नंबर है 9.8.4.19। और देखेंगे कि इसमें क्या नया आने वाला है और क्या बग फिक्स होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बग फिक्स में लिखा है कि कैमरा कैन नॉट फोकस रेडमी नोट 3। तो रेडमी नोट 3 में अगर आप कैमरा यूज करते थे लेकिन वो फोकस नहीं कर पाता था आपके कहीं पे, तो जो मेरा रेडमी नोट 4 इसी है तो फोकस कर लेता है, लेकिन रेडमी नोट 3 है कि इनका फोकस नहीं कर पाता था, तो उसे फिक्स कर दिया है। अब आप रेडमी नोट 3 में भी फोकस सही कर सकते हैं कैमरा में। जो दूसरा जो फिक्स है वो है नो मेन्यू शोज इन नोटिफिकेशन सेड इवन आफ्टर इनेबलिंग दिस ऑप्शन। तो अगर आप ये वाला जो मेन्यू है, यहाँ पर ये वाला जो एक ऑप्शन है, ये आपको जो बीटा अपडेट है इसमें शो नहीं करता था, तो अगर आप सिक्योरिटी ऐप में जाके भी इसको इनेबल करते थे यहाँ से, तो यहाँ पर अभी मैं डिसेबल कर दिया हूँ तो यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है, बट मैं अगर इसको इनेबल कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। तो ये वाला जो है अभी जो लेटेस्ट बीटा अपडेट है उसमें ये शो नहीं करता है, तो जो आने वाली इस फ्राइडे को आने वाली अपडेट है इसमें इसे भी फिक्स कर दिया जाएगा और आपको ये वापस से यहाँ पर शो करने लग जाएगा। और जो तीसरी जो लास्ट फिक्स है वो स्क्रीन ऑटोमेटिकली लॉक व्हेन यूजिंग द डिवाइस रेडमी नोट 5 प्रो। तो रेडमी नोट 5 प्रो अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, तो ये वाली जो चीज़ है वो भी फिक्स इस अपडेट में कर देंगे और रेडमी नोट 5 प्रो की जो बीटा अपडेट है वो भी इस फ्राइडे को आ जाएगी। तो यही कुछ आने वाला है इस फ्राइडे को और यही कुछ बग फिक्स होने वाले हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।